नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज मैं आपको लेकर जा रहा हूं रामनगर से लगभग 14 किलोमीटर दूर एक ऐसे स्थान पर जो अपने में एक खास है। उस स्थान का नाम है गर्जिया देवी मंदिर, जिसको गिरिजा देवी मंदिर भी कहा जाता है। तो बताते हैं आपको मंदिर के बारे में, कहाँ से मंदिर के लिए जाते हैं और कितनी दूरी पर यह मंदिर पड़ता है, सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा, तो वीडियो के एंड तक बने रहिए। अभी हम चल रहे हैं जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में। ये जो रोड जा रही है सीधा गर्जिया देवी के लिए जा रही है, जो कि ढिकुली के पास में कोसी नदी के पास में पड़ता है। दोस्तों हम लोग पहुंच गए हैं गर्जिया देवी मंदिर के पास। हम लोगों ने प्रसाद ले लिया है, 101 रुपए का आपको यहां पर प्रसाद मिलेगा। अब चलते हैं सीधा मंदिर के पास। गर्जिया देवी मंदिर उत्तराखंड में स्थित एक प्रसिद्ध मंदिर है। ये मंदिर सुंदरखाल गांव में आता है। रामनगर से इस मंदिर की दूरी लगभग 15 किलोमीटर है। ये मंदिर एक छोटी सी पहाड़ी के शीर्ष पर बना हुआ है, जो कि कोसी नदी के मध्य विराजमान है। यहाँ पर श्रद्धालु पूजा अर्चना व स्नान करने के लिए आते रहते हैं। भारी बारिश के दौरान जुलाई अगस्त के महीने में मंदिर में जाने वाला पुल पूर्ण तरीके से बंद हो जाता है। ये मंदिर का एंट्री गेट है। यहाँ पर मंदिर की जानकारी आपको देखने के लिए मिल जाएगी और यहाँ से कोसी नदी के ऊपर पुल स्टार्ट हो जाता है। ये आप देख रहे हैं मंदिर का भंडारा स्थल। देखने में जान पड़ता है कि यहाँ पर भव्य रूप से भंडारे का आयोजन भी किया जाता है। सामने आप मंदिर की जानकारी देख सकते हैं, मंदिर के बारे में पढ़ सकते हैं। सामने मंदिर के दर्शन तो आप लोगों को दूर से हो ही गए होंगे। पुल क्रॉस करने के बाद हम लोग मंदिर में होंगे। ये पुल जैसा कि मैंने बताया कोसी नदी पर बना हुआ है। इस पुल को पार करने के बाद हम उस पार मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। देवी गिरिजा, जो गिरिराज हिमालय की पुत्री और संसार के पालनहार भगवान शंकर की अर्धांगिनी है। कोसी नदी के मध्य एक टीले पर यह मंदिर स्थित है, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं। साल 1940 तक इस मंदिर के विषय में कम ही लोगों को पता था। वर्तमान में गिरिजा माता की कृपा से भक्तों की संख्या लाखों में पहुँच गई है। इस मंदिर का व्यवस्थित तरीके से निर्माण 1970 में किया गया, जिसमें मंदिर के वर्तमान पुजारी पंडित पूर्णचंद पांडे का महत्वपूर्ण प्रयास रहा। दोस्तों लोक मान्यता है कि 1940 से पहले यह क्षेत्र भयंकर जंगलों से भरा पड़ा था। सबसे पहले जंगलात विभाग के तत्कालीन कर्मचारियों और छुटपुट निवासियों द्वारा टीले पर मूर्तियों को देखा गया। उन्हें माता के इस स्थान पर उपस्थिति का एहसास हुआ। एकांत सुनसान जंगली क्षेत्र, टीले के नीचे बहती कोसी की प्रबल धारा, घास फूस की सहायता से ऊपर टीले पर चढ़ना, जंगली जानवरों की भयंकर गर्जना के बावजूद भी भक्तजन इस स्थान पर माता के दर्शन के लिए आते रहे। जंगलात के तत्कालीन बड़े अधिकारी भी यहाँ पर आए। कहा जाता है कि टीले के पास माँ दुर्गा का वाहन शेर भयंकर गर्जना किया करता था। कई बार शेर को इस टीले की परिक्रमा करते हुए लोगों द्वारा देखा गया। भगवान शिव की अर्धांगिनी माता पार्वती का एक नाम गिरिजा भी है। गिरिराज हिमालय की पुत्री होने के कारण उन्हें इस नाम से बुलाया जाता है। इस मंदिर में माँ गिरिजा देवी सतोगुणी रूप में विद्यमान है, जो सच्ची श्रद्धा से ही प्रसन्न हो जाती है। यहाँ पर कच्चा नारियल, लाल कपड़ा, सिंदूर, धूप, दीप आदि चढ़ाकर वंदना की जाती है। मनोकामना पूर्ण होने पर श्रद्धालु घंटी या छत्र चढ़ाते हैं। ये आप लोग देख रहे हैं गर्जिया मंदिर के बगल में कोसी नदी में लोग नहाने का लुत्फ उठा रहे हैं। आपको बता दें वर्तमान में इस मंदिर में गर्जिया माता की 4.5 फीट की ऊंची मूर्ति स्थापित है। इसके साथ ही सरस्वती, गणेश जी
और बटुक भैरव की संगमरमर की मूर्तियां मुख्य मूर्ति के साथ स्थापित है। हम लोगों ने मंदिर के अच्छे से दर्शन कर लिए हैं और अब हम लोग जा रहे हैं नीचे। मंदिर में कैमरा अलाउड है नहीं, इसलिए हमने वीडियो बनाई नहीं। दोस्तों, गिरिजा माता मंदिर के नीचे बाबा भैरवनाथ की गुफा है, जहां पर कि प्रसाद के रूप में चावल और उड़द की दाल चढ़ाई जाती है। कहा जाता है कि भैरवनाथ की पूजा के बिना गिरिजा देवी की पूजा संपूर्ण नहीं मानी जाती। आप लोग देख रहे हैं बाबा भैरवनाथ की गुफा, तो करते हैं गुफा के दर्शन। दोस्तों, मैं आशा करता हूं आप लोगों को मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर अगर आप लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इसी तरह धार्मिक और पर्यटक स्थल की वीडियो मैं आप लोगों को लाते रहूंगा। तो मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।